जयपुर रोड स्थित टांग ग्लोबल शेल्टर हाउस में लगातार खानाबदोशों के भागने के मामले सामने आने के बाद आज उत्तर वृत्ताधिकारी प्रियंका रघुवंशन शेल्टर हाउस का निरीक्षण करने पहुंची और जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मौके पर पहुंचकर डिप्टी ने कमी दिखने के बाद जिस जगह से खानाबदोश भाग रहे थे वहां पर बल्लियां लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। ग्लोबल टांग में भागने की सूचना आती थी, तो मैम किस तरीके की कार्रवाई की गई है, वो किस तरीके से रोकथाम की गई है? सी एक्चुअली जैसे कि पहले भी क्लियर है, शेल्टर होम सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि इनको रहने की सही जगह दिया जाए और ये लोग जो वल्नरेबल हैं उनको किसी भी तरीके से ये बीमारी की चपेट में ना आ जाए। ये मुलजिम नहीं है जो कि बार बार हर जना कह रहा है, तो यहाँ पर इनको रखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि वॉल छोटी है और ये लोग अब तक खुले आसमान के नीचे रहते हुए आए हैं तो इनको अंदर बंदिशों में रहना इतना पसंद नहीं आता, जनरल किसी को भी नहीं आता। लॉकडाउन भी लोग बाग इसीलिए तोड़ रहे हैं कि अपने घरों में लोगों से नहीं रुका जा रहा। तो यहाँ की दीवारें थोड़ी सी छोटी थी जिसको ये कूद के टाइम एंड देन निकल रहे थे, तो आज हम इसमें फिक्सिंग करवा रहे हैं बल्लियों की, और ऐसे रास्तों से जहाँ से ये भाग रहे हैं वहाँ पर किसी न किसी तरीके से बैरिकेडिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है जो लीच ओवर है उसको रोका जा सके। क्या कोरोना संदिग्ध है मैम? जो इनमें से कोई भी कोरोना संदिग्ध नहीं है, जितने भी हैं उनके टाइम एंड देन रेंडमली चेकिंग हो चुकी है। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो मेडिकल टीम के स्क्रीनिंग के बाद ही इनको यहाँ पर रखा गया है, जिसको भी रखा गया है शेल्टर होम में। जब एक अपने रेल म्यूजियम में पॉजिटिव आया था उसके बाद से सारा पूरा रिवैम करके इनकी स्क्रीनिंग के बाद इनको यहाँ पर रखा गया है। और बीमारी है किस तरीके से जाती है ये हमें से किसी को भी नहीं पता है, और अभी आप जैसे देख रहे हैं कुछ इन सब वैसे भी सिम्टम्स हैं, तो कोशिश यही है कि ये जो वल्नरेबल सेक्टर है इसको उस वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस किया।